हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड हो रही है एंड या आई एम स्पीकिंग इन हिंदी बिकॉज ये वीडियो नेहरू प्लेनेटोरियम के ऊपर होने वाली है, क्योंकि आज हम आए हुए हैं। सो आई थॉट कि आपको एक टूर दिया जाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल कम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया ओनली। सो आई थिंक सो कि हिंदी विल बी द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज फॉर अस। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए हिंदी में वीडियो अपलोड कर दी जाए एंड थोड़ा सा रिएक्शन मिल जाएगा मेरे को कि मेरी हिंदी ऑडियंस कितना रिएक्ट कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें अंदर प्लानिटोरियम में क्या क्या देखने को मिलेगा। साथ ही बात करेंगे कि यहाँ पे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है, किस तरह से यहाँ पे आया जा सकता है और यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा साथ में नेहरू प्लानिटोरियम के अलावा, क्योंकि नेहरू प्लानिटोरियम एक बहुत छोटा सेक्शन है नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम का, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। ठीक है, ये नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम है, साथ ही लाइब्रेरी भी है। अब यहाँ पे नेहरू प्लानिटोरियम के साथ साथ प्रधानमंत्री संग्रहालय भी इंटीग्रेट कर दिया गया है, तो सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरा नाम है केशव और आप देख रहे हो एस्ट्रोनॉमी का था। ओके, तो नेहरू प्लानिटोरियम आने के लिए आपको आना पड़ेगा प्रधानमंत्री संग्रहालय, उसी के अंदर आपको प्लानिटोरियम की एक छोटा सा साइट दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आने के लिए कई सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स अवेलेबल है, जैसे कि आप ऑटो रिक्शा से आ सकते हो, आप पीछे देख भी पा रहे होंगे ऑटोस खड़े हैं। एंड अगर आप मेट्रो से आना प्रेफर कर रहे हैं तो आप लोक कल्याण मार्ग जो कि येलो लाइन पे सिचुएटेड है, आप उस स्टेशन पे उतर के या तो ऑटो रिक्शा कर सकते हैं, नहीं तो रैपिडोज़ वगैरह आप बुक कर सकते हैं। दिल्ली में आई सजेस्ट कि यू टेक रैपिडोज़, दे आर मच मोर चीपर देन ऊबर। ओके, एंड अगर आप अपने ट्रांसपोर्ट से आना चाह रहे हैं तो त्रिमूर्ति मार्ग पे है प्रधानमंत्री संग्रहालय। ये है प्रधानमंत्री संग्रहालय की एंट्री, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन्स पे सामने देख पा रहे होंगे, और ये प्रेसिडेंट्स हाउस के साउथ एवेन्यू के जस्ट सामने पड़ता है। आप अपनी स्क्रीन्स पे देख पा रहे होंगे, आई गेस राष्ट्रपति भवन आप सबको दिख भी रहा होगा सामने। तो चलते हैं, देखते हैं अंदर किस तरह का व्यू मिलेगा। गेट से एंट्री करने के साथ ही आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेगी अपने एंट्री गेट पे। ये तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे पार्किंग देखने को मिलती है, उसी के पीछे प्रधानमंत्री संग्रहालय है, आप उधर देख सकते होंगे, आई गेस टिकट काउंटर भी लिखा हुआ है। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री संग्रहालय है जहाँ से आपको एंट्री करनी पड़ेगी, वहीं पीछे से। एंड ये सामने त्रिमूर्ति भवन है, जो कि नेहरू जी जहाँ पर निवास करते थे उनकी चीज़ें रखी हुई है अंदर यहाँ पर। एंड इधर की तरफ हमें देखने को मिलता है नेहरू प्लानिटोरियम। तो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर किस तरह की चीज़ें डिस्प्ले में लगाई हुई है, किस तरह का डोम शो है अंदर, चलते हैं ज़रा। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन्स पे देख पा रहे होंगे, ये जो है नेहरू प्लानिटोरियम है यहाँ पे। ओके, आप देख सकते हो ऊपर डोम भी दिखना शुरू हो गया है। तो हम प्लानिटोरियम पहुँच गए हैं और यहाँ पर आने के बेसिकली दो रस्ते हैं, या तो आप गेट 3 से डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो जो कि उधर की तरफ है, नहीं तो आप प्रधानमंत्री संग्रहालय से आप आ सकते हो। एंड गेट 3 से जब आप लोग एंट्री लोगे तो यहाँ पर आपको एक SLV-1 रॉकेट का एक मॉडल देखने को मिलेगा, जो कि एक प्रॉपर साइज़ में यहाँ पे लगा रखा है डिस्प्ले के लिए। मैं आपको थोड़ा पास से जाके दिखाता हूँ, क्योंकि ये एक एस्ट्रोनॉमिकल साइट है जहाँ पे लोग एस्ट्रोनॉमी करने आते हैं, तो ऑब्वियसली देयर गोना फैसिनेट आफ्टर सीइंग दिस काइंड ऑफ मॉडल्स हेयर एट प्लानिटोरियम। ओके, तो यहाँ पे उस चीज़ों के बारे में डिटेल में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप यहाँ से इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं कि कब कब इसके लॉन्चेस हुए, कैसे बना ये रॉकेट। ओके ओके, तो प्लानिटोरियम की एंट्री का ये मेन गेट है। ओके, एंड यहाँ पे टिकट काउंटर है, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। आप लोगों को एंट्री यहाँ से करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको चेकिंग करानी पड़ेगी एंड लेटर फिर आप टिकट बुक करके अंदर जा सकते हैं। ओके, तो ये है प्लानिटोरियम की मेन एंट्रेंस, और आप देख सकते हो सामने ही दरवाज़ा है अंदर जाने के लिए, और इधर की तरफ से आप लोग अपनी चेकिंग करा के आएंगे और यहीं पर आपको टिकट्स के लिए काउंटर देखने को मिल जाएगा जहां से आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं। सामने ही टिकट्स के प्राइजेस हैं और शोज़ की टाइमिंग्स है, आप चाहो तो टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आइए अब अंदर चलते हैं। अंदर जाते ही हमें सबसे पहले देखने को मिलता है ऊपर लिखा हुआ है चंद्रयान बैक टू द मून, और ये तब से है जब यहाँ पे चंद्रयान के लिए लॉन्च की तैयारियाँ हुई थी। तो आइए देखते हैं आप किस तरह से यहाँ पे एग्जीबिशंस लगा रखी हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये चंद्रयान 3 का यहाँ पे एक मॉडल बना रखा है जो कि लैंडिंग के टाइम पे भी काम आने वाला है, और बेसिकली बनाया था ये लॉन्चिंग के टाइम पे जब इन्होंने यहाँ पे पूरा एक ऑर्गेनाइज करा था प्रॉपर मीडिया के लिए, तो उसमें मैंने भी वॉलंटियर करा था टू बी ऑनेस्ट। मैं क्लिप ऐड कर दूँगा, आप लोग देख लेना।
लाइक यहाँ पे अंदर जो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट था वो सब मैंने हैंडल करा था, मैंने वॉलंटियर करा यहाँ पे। तो देखते हैं अभी यहाँ पे किस तरह से स्लाइड्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एग्जीबिशंस जो यहाँ पे लगा रखी है। व्हाई इज नाइट स्काई डार्क, तो यहाँ पे समझा रखा है आप देख सकते हो, इसमें से आप पीप थ्रू करके देखोगे तो ऑब्वियसली आपको स्टार्स देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे लगा रखा है कि भाई किस तरह से एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट हुई, ठीक है, वो इमेजेस जहाँ से हमें प्रूफ्स मिले एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी के। फिर अलग अलग स्लाइड्स हैं, सेलेस्टियल कैलकुलेटर की कंपास वगैरह बने। फिर ये जंतर मंतर की फ़ोटो लगा रखी है, मॉडल लगा रखा है कि किस तरह से जंतर मंतर दिखता है, एंड रेट्रोग्रेड मोशन को समझा रखा है यहाँ पे। अलग अलग स्लाइड्स हैं एंड गैलीलियो गैलीली किस तरह से उन्होंने डिस्कवरीज करी, एंड ये एक टेलीस्कोप का एक छोटा सा मॉडल है किस तरह से काम करता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे लेज़र्स के थ्रू बीम एमिट करी जाती है जो कि पीछे रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, एंड एक डायगनल के थ्रू जो कि आप देख सकते हो डायगनल के थ्रू यहाँ पे आईपीस के अंदर हमें प्रोजेक्ट हो जाती है इमेज, तो देख सकते हो। और टेलीस्कोप एज अ टाइम मशीन। ओके सो वन मोर थिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एस्ट्रोनॉट सूट्स की फ़ोटो लगा रखी है जिसमें आप अपनी फ़ोटोज क्लिक करा सकते हो, एंड पीछे हमारे एस्ट्रोनॉट इंडिया के, ये एक रियल मॉडल है जो कि टेस्टिंग के टाइम पे यूज़ होता है, उसके बस एक सूट रखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, डोम शो की जो एंट्री है वो यहीं से होने वाली है, आप उधर से आएंगे एंड यहाँ पे अगर आपका 3D शो है तो यहीं पे आपको 3D ग्लासेस दे दिए जाएंगे एंड आपको यहाँ से एंट्री लेनी पड़ेगी, आप देख सकते हो। और यहाँ पे ही आपको रेस्ट रूम्स या टॉयलेट देखने को मिल जाते हैं, और बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे पेंटिंग्स भी बना रखी है, देख सकते हो। ओके, तो अब आपको रेस्ट ऑफ द एग्जीबिशंस दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या और देखने को हमें मिलता है। तो मल्टी व्यू यूनिवर्स ये बंद हो चुका है, ये वेवलेंथ को समझाने के लिए था बेसिकली। लाइट टेल स्टोरीज, लाइट के बारे में डिस्क्रिप्शन है, अलग अलग मॉडल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जर्नी बियॉन्ड लाइट, थोड़ा सा एक्सोप्लैनेट्स के ऊपर किस तरह से काम चला हमारा, या फिर हमारी अर्थ के अलावा किस चीज़ों पर हमने एक्सप्लोर करा उस चीज़ों को समझा रखा। एंड ये देखिए हमारे कौन कौन से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो कि हमने ह्यूमंस ने भेजे उसका बस एक मोशन दिखा रखा है कि किस तरह से उनका पाथ था। ओके, फिर यहाँ पे बिग बैंग के ऊपर इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं, एंड डॉपलर इफेक्ट, और यहाँ पे लूनर कैलेंडर भी है, ये डॉपलर इफेक्ट, और ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी समझा रखी है। ओके, सो इन सब के बाद यहाँ पे थोड़ा नेहरू जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रखी है अंदर इस सेक्शन के अंदर, क्योंकि देखिए भाई नेहरू प्लेनेटोरियम है, नेहरू जी के नाम पे रखा गया है, तो ऑब्वियसली नेहरू जी के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए लोगों को। तो यहाँ पे अलग अलग फ़ोटोज़ हैं नेहरू जी की, जैसे आप देख सकते हो TIRF लैब में भाभा सर के साथ मिल रहे हैं, और मैं दिखाऊँ मेजर यूरी गागरिन एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन सर के, सो अलग अलग फ़ोटोज़ हैं, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है, एक स्टैचू भी उनका आप देख सकते हो। ओके, तो इस सेक्शन से अगर हम बाहर चलें तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि इस प्लेनेटोरियम की मेन अट्रैक्शन बन जाता है कई बार, जो कि है ये। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये एक टेलीस्कोप है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे रखा हुआ है, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, स्काई की जो इमेजेस लगाई हुई हैं उसको देख के लगेगा कि ये एक टेलीस्कोप है, बट टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ नॉट अ टेलीस्कोप, ये एक प्रोजेक्टर है, और ये नेहरू प्लेनेटोरियम का पहला प्रोजेक्टर है, जैसे कि आप देख सकते हो कि एक डोम शो बेसिकली यहाँ पे एक प्लेनेटोरियम का मेन अट्रैक्शन है हाल फिलहाल। बहुत फ्यूचर में इनके क्लब्स के भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बात हुई है आज हमारी। तो जब यहाँ प्लेनेटोरियम में सबसे पहले डोम शो स्टार्ट करा गया था, तो ये उस टाइम से आई गेस 1984 में, ये आप देख सकते हो 1984 में ये यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था, यहाँ पे नहीं अंदर डोम शो में। तो तब इसके थ्रू हम नाइट स्काई या फिर जो भी हमारे शोज होते थे इससे प्रोजेक्ट करते थे, बट लेटर 2010 में इसको अब रिटायर कर दिया, अब यहाँ पे लगा दिया गया है एज एन एग्जीबिशन, यहाँ पे शो दिखाने के लिए लोगों को, अब नए शोज़ के लिए नए प्रोजेक्टर आ गए हैं, तो इसको रिटायर कर दिया। अब देखते हैं, अब आपको नाइट एक बार डोम शो के अंदर भी दिखाते हैं किस तरह से अंदर डोम शो होता है। ओके, तो आप लोगों को एक स्पेशल एंट्री के थ्रू लेके जाता हूँ जो बैक स्टेज है, ठीक है, एंड यहाँ से आप लोगों को लेके जाता हूँ अभी।
प्लानिटोरियम का एक छोटा सा व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए स्क्रीन जो भी होंगी सब ऊपर की तरफ होंगी, एंड ये एक छोटा प्रोजेक्टर है बट अब इसको यूज़ में नहीं लिया जाता है। प्रोजेक्टर्स जो भी होंगे आपके साइड्स में होंगे, यहीं पे सारे स्पीकर्स लगा रखे हैं और देख सकते हैं ये रहा एक स्पीकर और ये रहा एक प्रोजेक्टर। आप लोगों की एंट्री इस गेट से होने वाली है एंड एग्जिट आप लोग इस गेट से करेंगे। वन मोर थिंग, मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप लोग एंट्री करेंगे यहाँ से तो आप लोग अपने लेफ्ट की तरफ बैठिए। वैसे तो आपको प्लानिटोरियम वाले इन्फॉर्म कर देंगे इस चीज़ के बारे में, बट स्टिल अगर आपको कोई आसपास की सीट मिलती है तो उससे बेटर है कि आप लेफ्ट वाली सीट चूज़ करिए, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल एक स्ट्रेट व्यू मिलता है और एक बेटर आपको चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। सीट्स की क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो सीट्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कम्फर्टेबल सीट्स हैं। एंड यहाँ से शो चलता है और मैं आपको 3D ग्लासेस भी दिखा देना चाहता हूँ एक बार। तो ये कुछ इस तरह के 3D ग्लासेस हैं और ये इतने कंफर्टेबल होते हैं कि आप इसको टर्बन्स के ऊपर भी आराम से पहन सकते हो, ठीक है। पोलराइड वाले 3D ग्लासेस हैं ये, तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से आप शो यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। पोल्यूशन को हटा देता हूँ तब आप देखिए आसमान कितना खूबसूरत है, ऐसा कभी देखा? नो ना। आसमान में जितने भी तारे हम देखते हैं इन सारे तारों को 88 तारा मंडल में बांटा हुआ है, 88 कॉन्स्टेलेशन में, जो यानी पोल स्टार। एक बार आपने पोल स्टार को पहचान लिया है तो आप दिशा मालूम करते उत्तर दिशा, और होराइजन से जो पोल स्टार तक जो ऊंचाई है एक जगह का लैटिट्यूड बताता है, जैसा दिल्ली का लैटिट्यूड जो है 28.5 है। रात के उस आसमान को देखकर सभी लोगों की तरह गैलीलियो गैलीली ने भी आश्चर्य जताया। उनसे पहले लोगों का मानना था कि चांद एकदम सपाट है, पर गैलीलियो के दूरबीन ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि उसकी सतह पृथ्वी की सतह जैसी है। आज हमने विशाल दूरबीनों की रचना की है जिससे हम गैलीलियो की दूरबीन से कई ज्यादा प्रतिशत दूरी पर देख सकते हैं। We are not sure how the universe came into existence. Some believe that it was created in the remote past. Others say that it has always been around. Okay, तो इस गेट से आप लोग एग्जिट करोगे एंड डायरेक्टली आप मेन गेट पे यहाँ पे आ जाओगे। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था प्लानिटोरियम का एक पूरा ओवरव्यू, किस तरह से यहाँ पे चीज़ें एग्जीक्यूट करी गई हैं, किस तरह से यहाँ पे मॉडल्स बनाए गए हैं, ये सब चीज़ें थी। हमने आपको डोम शो भी दिखाया, कुछ क्लिप्स मैंने आपको वहाँ की शो करने की कोशिश करी है ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट, क्योंकि अलाउड नहीं होता है अंदर रिकॉर्डिंग करना, बट स्टिल मैंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट करी कि आप लोगों को दिखाया जाए किस तरह से बेसिकली एक्सपीरियंस हम वहाँ अंदर कर सकते हैं एंड एग्जीबिशन आप लोगों को दिखाई। सो मेक श्योर कि आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब करें एंड इस तरह के हम कंटेंट्स को और लाने की कोशिश करेंगे। वी हैव टॉक्ड टू द टीम ऑफ नेहरू प्लानिटोरियम टू कम ऑन आवर स्टेज, हम अपने चैनल को उनको लेके आए, मीटिंग करें, उनके साथ पॉडकास्ट रिलीज़ करें। एंड या बहुत जल्दी हम अपने चैनल में पॉडकास्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो लेट्स सी कब हम पहले अपनी पॉडकास्ट लेके आते हैं, बहुत जल्दी आने वाली है, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। एंड आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन कौन से गेस्ट अपने चैनल पे देखना चाहते हैं एंड आपको ये वीडियो कैसा लगे, प्लीज़ आप इसको भी मेंशन करिएगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेक इट अ थम्स अप, आप इस वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर चैनल एस्ट्रोनॉमी का। ठीक है, फिर अभी और तैयारियों में लगते हैं, पॉडकास्ट की तैयारियाँ करते हैं और आपके लिए रेगुलर कॉन्टेंट लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।